गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष कुमार। आज हम गणित में आगे वाली कक्षा आगे पढ़ेंगे। प्रश्नावली, प्रश्नावली 16 इसका दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल से इस तरीके से एक बॉक्स बना रखा है, यहाँ बिना जनवरी को क्या आता है? 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो उसका अर्थ क्या?
मंगलवार होगा, इसको कहते हैं मंगलवार। हमें इस तरीके से ये सवाल को करने हैं, ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो 26 जनवरी को क्या बात करेगा, मंगलवार करेगा, ठीक है। तो आप ये लिखो पहले, काउंटिंग करनी है और बता।
16 tambah 22 jangan nombor berbalas disembah. Aku nambah ini nam saya sedikit yang aku bertanya. Agaklah soalnya nombor mana ini? Kitne din hote hain? To aapko isko is tarike se bachcho count karna hai. Ye jo upar wala jo ubhra hua sira hai wo 31 din ke aate hain aur jo niche wala dasa hua jo sira hai wo 30 ya 28 dino ka aata hai. To hum counting karte hain jaise upar pehla aap bhi ghar pe dekhna karke January to January kitne dino ka aayega 31 February February kitne dino ka aayega 28 dino ka aur 3 saalon se 29 dino ka aata hai. फिर है मार्च मार्च में 31 दिनों का मार्च के बाद में अप्रैल 30 दिनों का मई 31 दिनों का मई के बाद में जून 30 दिनों की जुलाई जुलाई वापस कितनी 31 दिनों की अगस्त अगस्त भी कितनी 31 दिनों की बाद में सितंबर सितंबर कितने दिनों का आता है 30 का सितंबर के बाद में अक्टूबर अक्टूबर भी कितने दिनों का आएगा 31 दिनों का वापस अक्टूबर के बाद में क्या आएगा नवंबर तो नवंबर कितने दिनों का जाएगा 23 दिनों का तो हमारा सवाल हो जाएगा नवंबर में कितने दिन होते हैं नवंबर में कुल 23 दिन होते हैं कितने दिन हो गए 23 दिन आज हमने 7 तक सवाल कर लिए हैं कल हम आगे करेंगे धन्यवाद